अबे भूल गया बोलना क्या था। हेलो गाइस, माय नेम इज मोहसिन अली और मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान के उस शहर से जिसे कहा जाता है रोशनियों का शहर, कराची। तो मेरे और पूरे कराची की तरफ से पाकिस्तान में, पाकिस्तान के बाहर रहने वाले जितने भी लोग हैं, तमाम लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, मैं उम्मीद के साथ वीडियो शुरू करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं काफ़ी दिनों से देख रहा था ब्लॉगर्स के ब्लॉग में, यूट्यूब पे ना बहुत टाइम से मतलब देख रहा था कि ब्लॉग्स बनाते हैं लोग और वीडियोस बनाते हैं, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ, मैं उनसे काफ़ी मोटिवेट हुआ, इंस्पायर हुआ और मैंने सोचा इस फील्ड में आ जाए कुछ, क्यों ना कुछ किया जाए इस फील्ड में, आके कुछ झंडे गाड़े जाएँ, कुछ किया जाए इस फील्ड में, वीडियो बनाएं हम भी। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है, तो ये मेरा पहला ब्लॉग है और इंशाल्लाह आप इसे सराहेंगे, सपोर्ट करेंगे और मैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करूँगा, अपना बेस्ट दूंगा, अच्छे से अच्छा ब्लॉग बनाऊंगा और कोशिश मेरी यही रहेगी कि आप लोगों को पसंद आए और आप लोग उसे सपोर्ट करें, सराहें उसे इंशाल्लाह और मतलब बहुत अच्छा होगा। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है और बस मैंने यही कहना था और आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो अब अल्लाह हाफिज़। और हाँ, ज़रूरी बात तो रह गई, सफाई। सफाई बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो आपने आजकल तो देखा है कराची के हालात कैसे हैं और मतलब हर जगह पर गंदगी, कचरा, बहुत मतलब हाल बुरा ही है तकरीबन कराची का। हर जगह सैवरेज का पानी खड़ा है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। सो हमें बस इतनी सी छोटी सी कोशिश करनी है कि हम अपने इलाके को, अपनी सिटी को, अपने शहर को, अपनी गली को साफ रखें, अपने घर को साफ सुथरा रखें, खुद को साफ सुथरा रखें, ताकि ये हमारे लिए ही बहुत अच्छा है और आजकल की बीमारियों से हम महफूज रहें। ये पहला ब्लॉग है और इसका ये लेक्चर दे रहा है, तो भाई अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर कीजिएगा, वरना कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं जनरली बात कर रहा हूँ, सफाई तो रखनी चाहिए, ज़रूरी है, ये हमारे लिए भी और दूसरों के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सफाई तो भाई ज़रूरी है ही। और इसी उम्मीद से अलविदा लेते हैं कि आप लोग अपने और अपने चाहने वालों का ख्याल रखेंगे। सो अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।